एक्सरसाइज 4.2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 इन्होंने क्या पूछा, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट दी वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। यानी कहने का मतलब ये क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा है, पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में एच पार्ट है, बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो देखिए ए पार्ट में इन्होंने क्या दिया, 3L इज इक्वल टू 42। तो देखिए यहाँ न्यूमेरिकल और वेरिएबल दोनों पार्ट हैं, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, मल्टीप्लाई का है। तो जब मल्टीप्लाई हो तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, बोथ साइड करेंगे, यानी दोनों में ही हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कौन से नंबर से करेंगे, यहाँ देखिए कौन सा नंबर है, लेफ्ट साइड में 3 है, तो 3 से क्या करेंगे, दोनों साइड डिवाइड करेंगे। चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं, यहाँ पे रूल्स बता देते हैं। देखिए जब मल्टीप्लाई हो तो हम डिवाइड करेंगे, और जब डिवाइड में क्वेश्चन दे तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3L है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, IDT लिखेंगे 3L। तो देखिए इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, मल्टीप्लाई का, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है चलिए अपॉन करते हैं। तो देखिए डिवाइड किससे करेंगे, लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर है, 3 है, तो यहां भी क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, इजिकल्स टू है, इजिकल्स टू। अब देखिए 42 मिला, 42। अब देखिए लेफ्ट साइड में हमने किससे डिवाइड किया, 3 से, तो यहां भी 3 से डिवाइड करेंगे। यहां पे लिखेंगे हम डिवाइड बोथ साइड्स वाई 3। ठीक है हिंदी मीडियम लिखे, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर। ठीक है तो देखिए यहां पे 3 1 3, 3 3 से कैंसिल हो गया। अब देखिए 42 में 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड करके दिखाते हैं। तो देखिए 3 1 क्या मिला, 3, 4 में से 3 गया 1, 2 उतार लीजिए, 3 4 से क्या मिला, 12, कैंसिल। तो जब 42 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 40। ठीक है क्या मिलेगा, 14। फाइनली आंसर कितना है, यहाँ पे L बचा, L लिखिए, इजिकल्स टू है, इजिकल्स टू, क्या मिला यहाँ पे, 14। तो यहाँ पे लिख दीजिए 14, ये हमारा फाइनली आंसर। चलिए बी पार्ट देखते हैं आप। तो देखिए बी पार्ट में इन्होंने क्या दिया, बी अपॉन 2 इजिकल्स टू 6। तो देखिए ये डिवाइड में है, तो जब भी डिवाइड में हो तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए बी अपॉन 2 है, IDT लिख लीजिए पहले। ठीक है अब क्या करेंगे, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे मल्टीप्लाई का साइन देंगे, और कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर है, 2 है, तो यहां पर भी क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, इजिकल्स टू है, इजिकल्स टू। अब देखिए 6 मिला, 6 इंटू, अब देखिए क्या मिला यहाँ पे, किससे मल्टीप्लाई किए, 2 से, तो यहां भी क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। तो यहां पे लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई बोथ साइड वाई 2। हिंदी मीडियम लिखें, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर। ठीक है तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया यहां पे, तो बचा क्या हमारे पास, बी बचा, बी लिखिए, इजिकल्स टू है, इजिकल्स टू। अब देखिए 6 2 जो क्या मिला, 12, ये हमारा फाइनली आंसर है। ठीक है चलिए सी पार्ट देखते हैं आप। तो देखिए सी पार्ट में इन्होंने क्या दिया, पी अपॉन 7 इजिकल्स टू 4। रूल्स वही अपनाएंगे, डिवाइड में है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए पी अपॉन 7 IDT लिख लीजिए। ठीक है अब देखिए डिवाइड में तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू नंबर्स कौन सा, इधर लेफ्ट साइड में 7 है तो 7 ही लेंगे, इजिकल्स टू है, इजिकल्स टू। अब देखिए 4 मिला, 4 लिखेंगे, इनटू, अब देखिए
लेफ्ट साइड में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? सेवन से। तो यहां भी क्या करेंगे? सेवन ही लिखेंगे। तो यहां पे लिखना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? सेवन से। यहां पे सेवन लिख दीजिए, ठीक है। हिंदी मीडियम लिखेंगे यहां पे दोनों पक्षों में सात से गुणा करने पर, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे सेवन से सेवन गया, तो बचा क्या हमारे पास? पी बचा। पी लिखिए इजिकल्स टू है, इजिकल्स टू, ठीक है। अब देखिए फोर से सेवन में मल्टीप्लाई कीजिए, फोर सेवन जब क्या मिला? 28, यानी 4 7 28। ये हमारा फाइनली आंसर है। चलिए डी पार्ट देखते हैं आप। तो देखिए डी पार्ट में इन्होंने क्या दिया, 4x इजिकल्स टू 25, ठीक है। तो देखिए इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? मल्टीप्लाई का है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। चलिए देखिए 4x है, IDT लिख लीजिए यहां पे। अब देखिए मल्टीप्लाई है इन दोनों के बीच में, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कौन सा नंबर है इधर? फोर है, फोर ही लिखेंगे। इजिकल्स टू है, इजिकल्स टू। अब देखिए 25 मिला, IDT लिखिए। अपॉन देखिए कौन से नंबर से लेफ्ट साइड में हम डिवाइड कर रहे हैं? फोर से। तो यहां भी क्या करेंगे? फोर ही लिखेंगे। तो यहां पे लिखना पड़ेगा आपको डिवाइड बोथ साइड्स बाय, कौन से नंबर से डिवाइड कर रहे हैं? फोर से। तो यहां भी हम क्या करेंगे? फोर लिखेंगे, ठीक है। हिंदी मीडियम लिख के यहां पे दोनों पक्षों में चार से भाग देने पर, ठीक है। तो देखिए फोर से फोर गया, तो बचा क्या हमारे पास? x बचा, x लिखिए इजिकल्स टू। अब देखिए 25 है, 4 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसको IDT लिख देंगे, 25 अपॉन 4, ठीक है। ये हमारा फाइनली आंसर है। चलिए ई पार्ट देखते हैं। तो देखिए ई पार्ट में इन्होंने क्या दिया, 8y इजिकल्स टू 36। चलिए सोल्व करते हैं। तो देखिए इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहां IDT लिखिए 8y अपॉन। अब देखिए यहां पे कौन सा नंबर है लेफ्ट साइड में? 8 है, तो 8 से ही क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इजिकल्स टू है, इजिकल्स टू। अब देखिए 36 मिला, 36 लिखिए अपॉन। अब देखिए कौन से नंबर से लेफ्ट साइड में डिवाइड कर रहे हैं? 8 से। तो यहां भी क्या करेंगे? 8 लिखेंगे। यहां पे लिखना पड़ेगा आपको डिवाइड बोथ साइड्स बाय, कौन से नंबर से डिवाइड कर रहे हैं? 8 से। तो यहां 8 लिख दीजिए, ठीक है। हिंदी मीडियम लिखें दोनों पक्षों में 6 से भाग देने पर। तो देखिए 8 से 8 गया, अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे। देखिए 2 4 जा क्या मिला? 8, ठीक है। अब यहां देखिए 2 1 जा 2, 1 बचा यानी 16, 2 8 जा 16, ठीक है। अब देखिए 2 2 जा क्या मिला? 4, 2 9 जा 18, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास? अब तो कैंसिल होगा नहीं, 2 से कैंसिल होगा नहीं 9, तो क्या करेंगे? वाई है, वाई लिखेंगे इजिकल्स टू, बचा क्या? 9। यहां पे 9 लिखिए, अपॉन है, अपॉन दीजिए, नीचे कितना बचा? 2, 2 लिख दीजिए। ये हमारा फाइनली आंसर है। चलिए एक पार्ट देखते हैं। तो देखिए एक पार्ट में इन्होंने क्या दिया, जेड अपॉन 3 इजिकल्स टू 5 अपॉन 4। तो देखिए ये किसमें है? डिवाइड में है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए
तो देखिए जेड अपॉन थ्री है आईडीटी, उतारिए। अब देखिए क्या करेंगे, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई करेंगे। इस साइड देखिए लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर है, थ्री है, तो यहां पर भी क्या करेंगे, थ्री लिखेंगे। ठीक है, इजिकल्स टू है, इजिकल्स टू 5/4 आईडीटी लिखिए। अब देखिए लेफ्ट साइड में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थ्री से, तो इधर भी हम क्या करेंगे, थ्री लिखेंगे। यहां पे लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई, बोथ साइड्स बाय, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थ्री से, यहां थ्री लिख दीजिए। हिंदी मीडियम लिखेंगे दोनों पक्षों में तीन से गुणा करने पर। अब देखिए थ्री से थ्री गया, बचा क्या हमारे पास, जेड बचा, जेड लिखिए, इजिकल्स टू है, इजिकल्स टू। अब देखिए फोर से तो ये कैंसिल होगा नहीं थ्री, तो क्या करेंगे, फाइव से थ्री में मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइव थ्री से क्या मिला, 15 अपॉन नीचे कितना बचा, फोर। ठीक है, यही हमारा फाइनली आंसर होगा, क्योंकि 15 है, नीचे कितना है, फोर है, तो डिवाइड होगा नहीं, यहीं पे हम छोड़ देंगे। चलिए जी पार्ट देखते हैं। तो देखिए जी पार्ट में इन्होंने क्या दिया, ए अपॉन फाइव इजिकल्स टू 7/15। चलिए सॉल्व करते हैं, ए अपॉन फाइव है आईडीटी लिखिए। तो देखिए ये डिवाइड में है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहां मल्टीप्लाई कीजिए, नंबर्स कौन सा है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, फाइव है, फाइव कीजिए, इजिकल्स टू है, इजिकल्स टू 7/15 आईडीटी लिखिए। अब देखिए लेफ्ट साइड में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किए, फाइव से, तो इधर भी क्या करेंगे, फाइव लिखेंगे। यहां पे लिखना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई बोथ साइड वाई, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फाइव से, फाइव लिख दीजिए। हिंदी मीडियम लिखें दोनों पक्षों में पांच से गुणा करने पर। अब देखिए यहां पे फाइव से फाइव गया, फाइव वन जा फाइव, फाइव थ्री जा 15, तो फाइनली आंसर कितना आ गया, देखिए ए बचा, ए लिखिए, इजिकल्स टू है, इजिकल्स टू। अब देखिए 7/1 जा क्या मिला, 7 अपॉन नीचे कितना बचा, थ्री, ये हमारा फाइनली आंसर है। चलिए एच पार्ट देखते हैं। तो देखिए एच पार्ट में इन्होंने क्या दिया, 20t इजिकल्स टू माइनस का 10। ठीक है, तो देखिए इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, मल्टीप्लाई का है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, 20t है आईडीटी लिखिए। ठीक है, अपॉन करेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, मल्टीप्लाई का, तो डिवाइड करेंगे। अब देखिए कौन सा नंबर है लेफ्ट साइड में, 20 है, 20 लिखेंगे, इजिकल्स टू है, इजिकल्स टू। अब देखिए माइनस का 10 है, आईडीटी लिखिए। अब देखिए लेफ्ट साइड में कौन से नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, 20 से, तो राइट साइड में भी क्या लेंगे, 20 ही लेंगे। यहां पे लिखिए डिवाइड बोथ साइड बाई, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 20 से। हिंदी मीडियम लिखें दोनों पक्षों में 20 से भाग देने पर। अब देखिए 20 से 20 गया, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो बचा क्या हमारे पास, देखिए टी बचा, टी लिखिए, इजिकल्स टू है, इजिकल्स टू। यहां क्या बचा, माइनस का 1, लिखिए माइनस का 1 अपॉन नीचे कितना बचा, 2, ये हमारा फाइनली आंसर है। ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, दैट्स इट।